नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6144 पर है और 6198 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कैसे सीड के अंदर जो लेवल्स हैं वो ठीक ठाक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे सीड की कीमतें हमने 6700 6800 तक भी जाते हुए देखी हैं, फिर वहां से हमने कैसे सीड में धीरे धीरे एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आते हुए देखा है। दरअसल कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो मजबूत हैं और एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक ही है, लेकिन अब जो मानसून में जो एक बार फिर से तेज़ी देखने को मिली थी, बारिश में जो तेज़ी देखने को मिली थी, उसकी वजह से हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जो कैस्टर की जो सोइंग है उसके आंकड़े थोड़े अब बेहतर बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कैस्टर की जो कीमतें उनमें एक नरमी वाला रुझान, एक हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल रुझान कैस्टर में तेजी का ही है। तो आज शाम की कार्रवाई सत्र में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड 6200 से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है, एक बार फिर से 6200 का लेवल टच करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से मानसून तेजी से लौटा है और कैसे की जो सोइंग के जो आंकड़े हैं फिर से थोड़े बेहतर होने के कगार पर हैं, तो क्या कैसे में कुछ नरमी बनती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ से कैसे सीड में तेजी का अभी रुझान देखने को मिलता रहेगा? जी देखिए, डेफिनेटली आंकड़े तो बेटर आए हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाजार ने पिछले एक महीने में वो डिस्काउंट भी किया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि आज से ठीक एक महीना पहले 6700 या 6800 के करीब के लेवल दिख रहे थे और उसके बाद में हमने 6000 तक के लेवल या 5800 तक के लेवल देखी है, तो टू एन एक्सटेंट डिस्काउंटेड हो रहा है बाजार में और मेरे हिसाब से कुछ और समय तक ये चीज डिस्काउंट होगी। यानी आप अगर मुझसे एक हफ्ते या 10 दिन का व्यू पूछे तो मुझे लगता है कि बाजार जो है प्राइसेस 6350 और 5900 के बीच ही ट्रेड करती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो रुख है मैं अभी भी मंदी में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब तक 5800 के ऊपर प्राइसेस टिकी हुई है तब तक ओवरऑल जो रुझान है वो बाय वन डिप्स का है। यानी कि एक बार जब ये डिस्काउंट हो गया, जो सोइंग के या हार्वेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो एक बार डिस्काउंट हो गए, तो उसके बाद जो बिल्डअप होगा वो तेजी का बिल्डअप दोबारा हो सकता है, जहां पर दाम मेरे हिसाब से 6800 से 7000 के करीब दोबारा निकल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म बेसिस या मीडियम टर्म बेसिस तेजी में रहना पसंद करूंगा, लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप मुझे 3 या 4 दिन का व्यू पूछें या हफ्ते भर का व्यू पूछें तो मुझे लगता है कि इमीडिएट तौर पे अपसाइड लिमिटेड होगा, 6300 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा प्राइसेस जो है, और एट द सेम टाइम 5900-950 के करीब आके दोबारा बाएंगे बच्चों। जी ये समय जी बात करें अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देखने की आज भी 5200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। अमित जी, देख रहे हैं कि चना वायदा बाजार के अंदर 5200 पर ही होके सिमट गया है, आपको क्या लगता है, क्या दिवाली आने तक चने के अंदर 5500 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे जिस हिसाब से त्योहारी सीजन है और मांग निकल के सामने आएगी? जी देखिए, जिस तरह से मैं काफी समय से कह रहा हूँ आपको कि 5200 के आसपास ही मुझे प्राइसेस ट्रेड होते हुए दिख रही है और ठीक उसी तरह ही चल रहा है। यानी कभी भी कोई एक्सट्रीम पे भी चला जाए, 5000 के करीब आए या 5350 के करीब चला जाए, तो वहां से हमें सेलिंग और बाइंग रेस्पेक्टिवली आते हुए दिखती है और 5200 के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि कुछ और समय यानी हफ्ते 10 दिन इस काउंटर में भी ये दायरे का कारोबार बना रहेगा, जहां पर एवरेज प्राइस जो रहेगी 5200-5220 के आसपास रहेगी। हालांकि हाँ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि क्लोज टू दिवाली यानी दिवाली नजदीक आते आते एक बार ये 5450 तक के स्तर दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करें, 2 हफ्तों की बात करें, तो मुझे लगता है कि 5200 का जो स्तर है उसके आसपास ही प्राइस। जी तो यानी कि चने के अंदर दिवाली आने, जब दिवाली थोड़ी पास आएगी तब जाके अमित जी के अनुसार चने की कीमतें 5450 तक जाती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं से बात करें अगर अभी की हाल फिलहाल की, तो उससे पहले चने की जो कीमतें हैं वो 5200 के लेवल पर ही घूमती हुई नजर आएंगी। चने में अभी शॉर्ट टर्म में यही लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जैसी त्यौहार पास आएगा, दिवाली पास आएगी, तो 5450 तक के भी लेवल्स चने के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
अमित जी बात करें यहाँ से बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि अब कुछ करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, 0.1% की करेक्शन है चने बिनौला खल के दिसंबर वायदे में। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चना भी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो क्या बिनौला खल भी 2500 के लेवल पर ही इसी कारोबारी सप्ताह सीमित दायरे में देखने को मिलता रहेगा? जी देखिए, मुझे पहली बात तो ये लग रहा है कि जो 2300 तक का व्यू था वो बाजार ने कुछ समय पहले डन कर दिया है। कुछ समय पहले का जो लेवल देखो तो 2300 के भाव दिखाकर बाजार बढ़ चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आप कह रहे हैं कि अपसाइड भी जो है लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। 2600 से 2700 तक के लेवल होंगे जहाँ पर बाजार रेजिस्टेंस लेगा, यानी 2700 से ब्रॉडली बहुत ज्यादा ऊपर इमीडिएट तौर पे नहीं दिखेगा, दोबारा हमें हो सकता है कि 2400 से 2370 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखे। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नजरिया ले तो मुझे लगता है कि इसी दायरे में बाजार ट्रेड करेगा, यानी कि डाउनसाइड भी जो होगा यहाँ से वो लिमिटेड होगा। 2300 में निकलता हुआ नहीं देखता हूँ बड़े तौर पे, और एट द सेम टाइम 2700 के ज्यादा ऊपर भी निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये यू नो ये भी अगेन लाइक 2 से 3 माह की बात रही, उससे अगर आगे का देखूं तो एक बार ये पॉसिबल है कि इस दायरे से निकल के प्राइजेस जो है दोबारा 2900 तक जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो एक महीने का नजरिया हो, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी अगले 2 हफ्तों तक मैं समझता हूँ कि लगभग 2400 से 2700 का एक दायरा बना है। जी, तो यानी कि शॉर्ट टर्म में एक सीमित दायरा है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाते हैं तो अब जाके बिनौला खल की कीमतों में एक महीने या उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, तो कीमतें अच्छी बनती हुई नज़र आ सकती है बिनौला खल के अंदर एक बार फिर से। अमित जी बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि मसालों में खरीदारी निकल के सामने आएगी, वो लेवल्स आज हम अचीव होते हुए देख रहे हैं, एक बार फिर से मसालों के अंदर बाइंग निकल के सामने आ रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बाइंग ये जो आज देखने को मिली है ये सस्टेन होके रहेगी, या फिर यहाँ से एक बार फिर से मसालों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धनिया में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि 7600 के करीब सपोर्ट्स हैं और उससे बहुत ज्यादा नीचे मुझे प्राइसेस नहीं फिसलते हुए दिखती है या सपोर्ट लेते हुए दिखती है, तो हमने देखा है कि बाजार ने वहां पर सपोर्ट लिया है और एक घरेलू बाजार में भी मांग भर के आई है निचले स्तरों से। मुझे लगता है कि धनिया में हमें 8400 तक के दाम दोबारा देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। वहीं जीरा भी कहीं ना कहीं 14200 से 14300 के करीब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, हालांकि जीरे में मुझे अपसाइड भी लिमिटेड लगता है, 15100 से 15200 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो एक दायरा है जनरली स्पीकिंग थोड़ा ऊपर की तरफ रुझान जीरे और धनिया में रहने की उम्मीद है, तो ये मसाला कॉम्प्लेक्स में भी तेजी के असर दिखाई दे। जी अमित जी, यहीं से नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम के अंदर हमने 10,000 के लेवल्स फिर से टेस्ट होते हुए देखे थे, लेकिन वहां पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली, एक बार फिर से 9,600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बताया था कि एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अब देख रहे हैं कि ग्वार सीड के अंदर भी अब 5700 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से निचले स्तर से ग्वार के अंदर खरीदारी बन सकती है अभी भी? जी देखिए, ब्रॉडली 5500 के ऊपर जब तक ग्वार सीड है तब तक मैं मंडी की तरफ रुख नहीं करूंगा। हाँ, ये जो एक फेज है, ये एक दायरे का फेज है जहाँ पर 6200 के नीचे जब तक ग्वार सीड बना रहेगा तब तक दोबारा तेजी नहीं पकड़ेगा। उसी प्रकार जब तक 10300 के नीचे जब तक ग्वार गम प्राइसेज है तब तक एक दायरा जो है 9200 से 10300 का ग्वार गम में बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये दायरे का कारोबार है और कुछ और समय अगेन इस काउंटर में भी मुझे दायरा बनता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही हम 6200 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए ग्वार सीड में और 10300 के ऊपर ग्वार गम में, तो हमें दोबारा बाजार जो है वो तेजी की तरफ रुख करता हुआ दिखेगा, जहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल होगा 6800 का ग्वार सीड में और 11300 का लगभग 1000 पॉइंट ऊपर की तेजी हमें ग्वार गम में दोबारा दिखाई दे पाएगी। तो मैं ओवरऑल अभी भी मंदी में नहीं हूँ, हालांकि एक्सट्रीमेंट से बाय करना है, यानी 5500 के नजदीक आता है बाय कर लीजिए, 6200 के करीब आता है ग्वार सीड में बुक कर लीजिए, तो ये एक दायरे का कारोबार डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन एक अपसाइड बाय है। जी अमित जी, इसे बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि आज एडिबल ऑयल पैक कुछ नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है,
खबर निकल के सामने आई कि जो सरकार है, सरकार ने एक बार फिर से खाद्य तेलों की कीमतों को काबू करने के लिए एक और कदम उठाया है, एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिस पर सभी को अपने स्टॉक की डिटेल्स देनी होंगी, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और बाजार भी संतुलन में रहेगा। तो अमित जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार एक के बाद एक कदम लगातार उठा रही है खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, तो आगे जाके खाद्य तेल में अब तेजी बनती नजर आ पाएगी क्या? जी देखिए, एक तरह से ये जो कदम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो सरकार ने खुद भी एक तरह से कैंसल आउट किया था, उसके अंदर ही आते हैं, या जो कदम है काफी सिमिलर है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर देखे गए थे, तो उसका असर हमें डेफिनेटली सोयाबीन में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है, क्योंकि सोयाबीन का जो स्टॉक है वो लगभग पिछले दो महीने पहले हो चुका था 9,800 के करीब या 10,000 के करीब, तब से लेके हमने लगातार एक करेक्शन का रुख देखा है जी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसमें सोया ऑयल और सोयाबीन में ही नजर आएगा, और मुझे लगता है कि सोया ऑयल जो है हालांकि फिलहाल डाउनसाइड है, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड होगा, यानी 1285 से 1275 तक काम जा सकते हैं, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि वहां पर आके एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन आप फिर भी अगर हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्तों की बात करें तो यस, ये जो कदम उठाए गए हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म बेसिस खास करके रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन पे देखने मिलेगा। सोयाबीन की जैसे मैंने बात की 5750 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन वहां से मैं समझता हूँ दोबारा प्राइसेस जो है पिकअप होंगी और 6300 तक जा सकेंगी। तो एक दायरा है, निचले दायरे में ट्रेड हो रही है कुछ समय के लिए, डेफिनेटली इन दो काउंटर्स पे प्रेशर बना रहेगा, लेकिन ये प्रेशर मैं फिलहाल सीपीयू में नहीं देखता हूँ। या फिर आप अगर सरसों की भी बात करें तो सरसों में भी बहुत बड़ी मुनाफा वसूली मुझे आते हुए नहीं दिखती है। हाँ, हो सकता है कि 8300 या 8250 के रीजन में प्राइसेज एक बार जाते हुए दिखें, लेकिन मुझे लगता है कि सरसों में जब रिकवरी आएगी तो काफी बढ़िया रिकवरी दोबारा देखने मिलेगी, जहां पर दाम से 8800 तक जा सकते जी। तो यानी कि सरकार के इस कदम से कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन सरसों पर इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरसों के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। नीचे में भी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में 8250 8300 तक के भी लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं सरसों के अंदर। लेकिन अमित जी के अनुसार जब सरसों की कीमतों में एक बार रिकवरी आएगी, फिर से सरसों में खरीदारी निकलेगी, तो काफ़ी शानदार खरीदारी निकलेगी और कीमतों की जो रिकवरी है खरीदारी के द्वारा वो 8800 तक देखने को मिल सकती है। अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कृषि फसलों के कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर इस पूरे कारोबारी सप्ताह में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। जी देखिए, मेरे हिसाब से मैं मसाला कॉम्प्लेक्स में, धनिया में फिलहाल बिजी करना पसंद करूंगा। इमीडिएट तौर पर 7900 के रीजन में एक सपोर्ट है, तो 8000 के करीब भी अगर प्राइसेज मिलती हैं तो वहाँ पर तेजी करके चला जा सकता है। इमीडिएट तौर पे 8400 तक के टारगेट लिए जा सकते जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। एक और जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, आज शाम ठीक 5:30 बजे मार्केट टाइम्स टीवी और NCDX आपके लिए लाइव आ रहे हैं और चर्चा होगी ग्वार और सोयाबीन के ऊपर, तो देखना ना भूलें। हमने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वेबिनार का लिंक आपके साथ साझा किया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इस वेबिनार का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।